सुमित बताइए शुक्रिया आप दोनों को ही साइबर टेक सिस्टम को चुना है। दोनों की वजह भी यही है क्योंकि कल जिस तरह से एक ट्रेंड था खासतौर से उन कंपनियों में जो कि नोटबंदी से जुड़े हुए थे, कल टेरासॉफ्ट दिया गया 16% के आसपास मूव, उसमें भी आया था, इसको चुनने की वजह यही है। ये कंपनी भी उसी कामकाज में, इसमें गवर्नमेंट की जो वर्क्स होते हैं यानी कि ई फाइलिंग या फिर ई पेपर वर्क जो रिलेटेड वर्क है उस कारोबार में कंपनी है। कई सारे जो ई प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है वो कंपनी ने शुरू किया और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कई ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले हुए हैं। ई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, साइबर सिक्योरिटी का जो कामकाज है वो भी कंपनी प्रोमिनेंटली करती है और अदर जो क्विक हील जैसा कामकाज है वो भी इस कंपनी का एक प्रोमिनेंट वर्क में से एक है। कई सरकारी ऑर्डर में कंपनी कामकाज करी है, शायद नोटबंदी के फायदे का इंपैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में देखने को भी मिला। कंपनी का मुनाफा करीब 5 गुना लास्ट क्वार्टर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, पिछले अगर 2 से 3 साल की सिचुएशन देखें तो कंपनी की डेट फ्री सिचुएशन आ चुकी है और अपने सेगमेंट में कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग मार्जिन है, करीब 50% के ऑपरेटिंग मार्जिन और 22% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज करती है। तो मार्जिन के लिहाज से एक मजबूत मार्जिन पे कंपनी कामकाज कर रही है। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कंपनी अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो करीब करीब 6 से 7 रुपए के आसपास की ईपीएस और 10 के मल्टीपल पे, यानी फॉरवर्ड ईपीएस जो FY18 के लिए वो 7 रुपए की ईपीएस और 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि सेक्टर जो है वो 19 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में भी एक अच्छे वैल्यू पे शेयर दिखाई पड़ रहा है और अदरवाइज भी जिस तरह कंपनी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही है, जिस तरह की सिचुएशन कंपनी ने अपने नतीजों में दिखाई है उसके हिसाब से जो ब्रोकर्स उनका मानना करीब 100 रुपए तक की चाल भी शेयर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए तो ये काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। देखिए अब करीब 7.5 रुपये की तेज़ी यहाँ पर इस समय इंट्राडे हाई पर। वीके शर्मा जी हमारे साथ अब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी मॉर्निंग टू यू, कैसा लग रहा है मार्केट आपको? नमस्ते मीर। नमस्ते। मार्केट अच्छा लग रहा है मीर, ये देखते हुए कि हमारा जो मार्च 2015 का निफ्टी का और सेंसेक्स का जो हाई था और उसके बाद में सितंबर 2016 में जो उससे लोअर टॉप बना, उन दोनों की लाइनों को अगर जोड़ें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों उसके पार निकल चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा जो लेवल है 8000, जो निफ्टी में 9000 का जो लेवल दिखता है, ऑल दो कहते हैं 9120 हाई है वो इंटरडे टर्म्स में हाई है, हम कभी भी 9000 के ऊपर बंद नहीं हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 8997 ही वो लेवल है, उसके ऊपर तो नया हाई आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बाजार में थोड़ा इस बात को लेकर चलें कि हो सकता है आशंकाएं लोगों को हों कि इलेक्शन के रिजल्ट किस ओर जाएंगे, हमारा अपना मानना है यही है और आपसे पहले भी कहते रहे हैं, इनफैक्ट आपके सेंसेक्स का सुल्तान के जो शोज है वहाँ पे भी यही बोला है कि मार्केट वुड लाइक टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरीज और इलेक्शन की भी जो वरी है, इंटरेस्ट रेट हाई की भी जो वरी है US में, उन सबको पार लेके जाएगा मार्केट, उनके विपरीत बढ़ सकता है। तो हमारा ये मानना है कि नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और ये यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए लेने का सोचें न कि बेचने का। तो मेरे ख्याल से 8 मार्च के पहले आप 8 मार्च के ट्रेडिंग के अंदर 9200 या 9100 की कॉल ले लें जो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है नतीजों के बाद। जी तो 9200 तक के लेवल्स की आप बात करें शर्मा जी, लेकिन इन लेवल्स तक पहुंचने में मदद कहां से मिलेगी इंडेक्स को? अच्छी बात यह है दीपाली जी कि इस वक्त सभी सेक्टर्स के अंदर अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और वो अभी सब कोई भी कहीं से बढ़ सकता है, लेकिन सबसे अच्छी उम्मीद यहाँ पे रिलायंस को लेके है और उसके बाद बैंकिंग, ये दो स्टॉक्स हैं, ये दो रिलायंस अपने आप में कंपनी और बैंकिंग एज ए सेक्टर, और तीसरा नाम आएगा मेटल्स का। तो ये तीनों जो डिविजन्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोज़ भी अभी जो खराब नंबर हैं ये ऑलरेडी प्राइस इन हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से आगे चलते हुए एक बेहतर अपेक्षा ये हो सकती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर कैश का कंपोनेंट बढ़ता है ऑटो के नंबर्स वापस आएंगे, आते दिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑटोज़ के अंदर वर्स्ट इज़ बिहाइंड, तो ये तीनों चारों सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं, ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। शर्मा जी आपने ये जो रेट हाइक की बात की US में, और हो सकता है शायद इसका थोड़ा बहुत डर हो भी, लेकिन इस समय जो ग्लोबल सेटअप है उसमें इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो जो डर या फिर नर्वसनेस थी US में रेट हाइक को लेकर, वो इनफैक्ट रिप्लेस हो रही है कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर US एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी पर रेट हाइक करता है तो ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ ये एक फर्म सॉलिड रिकवरी US इकोनॉमी में इंडिकेट करता है और इसी के आधार पर इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स को भी कंफर्ट मिलता है दैट द इंजन इज़ ऑन ट्रैक। जी सही बात है,
आपने अच्छी बात कही है और बेसिकली बात यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ये कमेंट होगा फेड का अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के ऊपर, जैसा आपने बताया। ऊपर से ये कोई पहला मौका नहीं है मीर, हम देखते हैं कि 2003 से लेकर 2007 तक इंटरेस्ट रेट की दरें यूएस के अंदर भी बढ़ी, हमारे यहाँ पर भी बढ़ी, लेकिन उस बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट के बावजूद हमारा मार्केट ऊपर गया। इनफैक्ट 2003 और 2008 के बीच में मार्केट 7 गुना बढ़ा था। तो ये अगर इकोनॉमी ग्रो के साथ कर रही है और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। और हमारे यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रिजर्व बैंक ने थोड़ा खुलासा पिछली मीटिंग में कर दिया था उन्होंने अपना स्टैंड चेंज करके, पर मेरे ख्याल से वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो बात हम यूएस में देख रहे हैं वो हमारे यहाँ पे तो नहीं होगी, लेकिन उससे जरूर जो अपेक्षा थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो पाएंगे उसके अंदर थोड़ा ग्रहण लग सकता है। तो फिर भी मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमी रिकवर करती है तो बैंकिंग अपने भले ही इंटरेस्ट रेट अच्छे ऊंचे इंटरेस्ट रेट में बैंकिंग अच्छा कर सकता है बिकॉज उनके एनपीएस घटने की संभावनाएं बढ़ती हैं, जो प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे उनके जो प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं वो राइट बैक होंगे।